नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने भारत आ रहे मटर में कैंसर वाला जहर भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, चाइनीज मटर में जहरीला केमिकल है। नेपाल के रास्ते चाइनीज मटर की तस्करी हो रही है। नेपाल से बिहार पहुंच रहा है चाइनीज मटर, चीन से भारत आ रहा है कैंसर वाला मटर। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता दूं, चाइनीज मटर में जहरीला केमिकल है। नेपाल के रास्ते चाइनीज मटर की तस्करी हो रही है। नेपाल से बिहार पहुंच रहा है चाइनीज मटर, ये बड़ी खबर इस वक्त। एक और चीन की साजिश का बड़ा खुलासा, चीन से भारत आ रहा है कैंसर वाला मटर, ये बड़ी खबर इस वक्त। आपको बता दें, चीन जो मटर हिंदुस्तान भेज रहा है नेपाल के रास्ते, उसमें ऐसा केमिकल है कि खाने के बाद वो कैंसर की बीमारी आपको पैदा कर सकता है। एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है चीन की, ये बड़ी साजिश। चीन जो मटर भेज रहा है उसमें कैंसर वाली साजिश सामने आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, चार तस्वीरें आप देखिए, चाइनीज मटर की तस्करी कैसे हो रही है वो पहली तस्वीर आपको बता रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि नेपाल से चाइनीज मटर आ रहा है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार की मंडी में यही चाइनीज मटर की बिक्री हो रही है, खरीदारी हो रही है। ठीक से पकता नहीं है चाइनीज मटर, ये इसकी एक पहचान है, समझ लीजिए। अगर ऐसा कोई मटर आपके घर पहुंच रहा है तो आपको सावधान रहना होगा। चीन की कैंसर वाली साजिश, चाइनीज मटर के दानों में है जहर। नेपाल से भारत आ रहा चाइनीज जहर, अर्थव्यवस्था से लेकर सेहत पर कहर। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल बॉर्डर के पंटोका की ये तस्वीरें हैं। नदी पार कर रहे इन लोगों को गौर से देखिए, इनके सिर पर बोरियां लदी हैं। नदी पार करते ही साइकिल पर इन बोरियों को रखा जाता है और फिर बिहार की रक्सौल मंडी की तरफ मटर भरी बोरियां लेकर लोग निकल पड़ते हैं। कहने को तो इन बोरियों में चीन का मटर भरा हुआ है, लेकिन सच यही है कि खाने वाला ये मटर जहर का दूसरा नाम है। हकीकत ये है कि नेपाल सीमा पर बह रही इस नदी के जरिए भारत तक चीन की कैंसर वाली साजिश धड़ल्ले से पहुँच रही है। साथ ही मोटर भी, क्वालिटी कैसा होता है, चाइना किस क्वालिटी का मोटर दे रहा है, उसमें क्या मिला होता है, कौन सा केमिकल, ये हम नहीं जानते। हो सकता है वो हमारा दुश्मन हमारे अंदर से कुछ मिला के भेज रहा हो, इस पर भी जांच होनी चाहिए। चीन से ये सूखा मटर तस्करी कर नेपाल के रास्ते बिहार के रक्सौल लाया जा रहा है। चीन से केरुंग, तातोपनी, खासा बॉर्डर के जरिए ये मटर नेपाल पहुंचता है। रोज नेपाल से चाइनीज मटर की 5000 बोरियां तस्करी कर रक्सौल लाई जा रही हैं। नेपाल में इस चाइनीज मटर की कीमत महज 30 रुपए किलो है और तस्करी के जरिए जब ये मटर रक्सौल पहुंचता है तो इसका भाव 80 रुपए प्रति किलो हो जाता है। रक्सौल मंडी के जरिए बिहार होते हुए देश के कई इलाकों में ये मटर पहुंचता है। आलम यह है कि सस्ते के चक्कर में ये मटर हिंदुस्तान में घर घर तक पहुंच रहा है, लेकिन इस मटर में छिपी हुई चाइनीज साजिश से लोग अनजान हैं। कहा जा रहा है कि इस मटर में केमिकल मिला हुआ है जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां तक होने का खतरा पैदा होता है। आने वाले समय में हो सकता है वो मटर के साथ में चाइना कुछ भी भेज सकता है, मटर में केमिकल मिला करके, कि आने वाले बच्चे जनरेशन के साथ भी नुकसान हो जाए, और अभी तो नुकसान हो ही रहा है, राजस्व की भी चोरी हो रही है और आप सेहत भी उससे खराब हो रहा है। नेपाल से आने वाला ये चाइनीज मटर सामान्य मटर की तुलना में ज्यादा सख्त है। इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बताते हैं कि ये मटर जल्दी गलता नहीं और अच्छी तरह से पकता नहीं है। चाइनीज मटर के सही नहीं पकने पर लोगों को साजिश का आभास होने लगा है। मटर जो हो रहा है पकाने पर वो कच्चा रह जा रहा है, वो सीज भी नहीं रहा है। ऐसे नेचुरल मटर अगर कच्चा भी आदमी खाता है तो वो नुकसान करेगा, और वो तो चाइना का पता नहीं क्या केमिकल लगा है कि जितना भी पका लीजिए वो पकता नहीं है, आधा अधूरा रह जाता है, तो उससे तबीयत को खराब होना ही होना है। हैरानी की बात ये है कि रात छोड़िए, ये चाइनीज मटर दिन के उजाले में भारतीय सीमा में धड़ल्ले से आ रहा है। न कहीं कोई रोक टोक है और न ही किसी तरह की कोई सख्ती।
चाइनीज मटर लेकर तस्करों का काफिला थाने के सामने से गुजरता है, लेकिन इन्हें रोका नहीं जाता। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की नाकामी साफ तौर पर दिखती है। यह तस्करी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि और यह चाइनीज मोटर है, नेपाल के चाइना से नेपाल आता और नेपाल से भारत में आता, और यह चाइना चूंकि हमारा देश का एक नंबर का दुश्मन नंबर एक है, और इसमें इस मोटर को तस्करी में रोकने के लिए हमारे प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। सवाल ये उठता है कि जब सभी को ये मालूम है कि चीन से नेपाल होते हुए साजिश वाला मटर भारत में आ रहा है, तो फिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही? क्या चंद पैसों की लालच में कैंसर को न्योता देने वाले इस चाइनीज मटर को भारत में आने का रास्ता दिया जा रहा है? इसका जवाब ढूंढा जाना जरूरी है, नहीं तो ये चाइनीज साजिश देश को बीमार, बहुत बीमार बना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चाइना की ये बड़ी साजिश है, भारत में चाइनीज मटर तस्करी करके भारत लाया जा रहा है। चाइना का सूखा मटर नेपाल के रास्ते से बिहार लाया जा रहा है। चाइनीज मटर चीन से केरूम तातोपनी खासा बॉर्डर से पहुंचता है ये नेपाल, और नेपाल से रक्सौल बॉर्डर होते हुए ये बिहार पहुंच रहा है। समझिए कि कैसे इसको पहुंचाया जा रहा है। बॉर्डर पर पंचोका में नदी पार करके ये मटर लाया जा रहा है, और रोज रक्सौल में नेपाल से मटर की कम से कम 5,000 बोरियां आ रही हैं। समझिए बड़े पैमाने पर इसकी खपत हो रही है। नेपाल में चाइनीज मटर की कीमत महज 30 रुपए किलो है, मोतिहारी में इसकी कीमत 80 रुपए किलो है। चाइनीज मटर की स्मगलिंग पर पुलिस प्रशासन की भी चुप्पी सामने आ रही है। यानी सीधे तौर पर अगर बॉर्डर पर मुंह की खा रहा है, सरहद पर मुंह की खा रहा है चीन, तो किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, नई साजिश कर रहा है, ये देखिए। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक, और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।